ये तो कानून को अपने जेब में लेकर चलते हैं, वरना मोनू माने सर अब तक गिरफ्तार हो गया होता है ना। तो देखो, मोनू माने सर की जगह कोई मुसलमान होता ना तो 100% गिरफ्तार हो गया होता। बिल्कुल तैयार है सर। आपकी कसम 24 घंटा यहाँ रहूंगा, तुम अच्छी चले जाओगे पर मैं यहीं रहूंगा। नहीं, अच्छी बात, हम उठने वाले नहीं सर। नहीं, मैं रुखाड़ी यहीं करूंगा पूरी। हम तो कल से शाम को अभी कफन मंगाया है हमने, सर पे बांध के नहीं कफन को बैठेंगे, यहाँ ऐसे नहीं बैठेंगे हम सर। नहीं, कफन को सर को क्यों बांध रहे हैं? नहीं कफन, क्योंकि हमने इस इरादे से बैठे हैं कि तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं किसी भी हालत तो में। कोई बात नहीं, पर सर पे कफन बांधने का क्या उचित है? नहीं, अगर मरना भी पड़ जाए तो यहाँ हम तैयार हैं, कफन जाने के लिए बाजार तो ना जाना पड़ेगा, कफन के लिए कम से कम साथ में ही कफन रहेगा ना। वो तो बात की बात है, वो तो हम रहेंगे जो देख लेंगे, जो रहेगा वो देख लेंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। अपन मक्का मदीना से कफन लेकर आते हैं, जब हज पे जाते हैं क्या उसको सर पे बांधते हैं? पेटी में जमा के सुरक्षित रखते हैं, क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, जब जरूरत होती है भाई, मेरे मेरा इसको काम में ले लेना। मेरे भी दो चार मित्र हैं, बुजुर्ग पुराने पुराने आदमी,